तो एक बड़ी खबर और भी है। बड़ी खबर क्या है ये हम आपको बताते हैं। देखिए एक खेल चल रहा है, आचार संहिता के बाद से एक खेल चल रहा है, दल बदल का खेल। और इस दल बदल के खेल में झारखंड सबसे आगे नजर आ रहा है। झारखंड के बड़े बड़े नेता अपनी सुरक्षित राजनीति को भाप कर दल बदल रहे हैं। पूरे देश में दूसरे दलों के नेता बीजेपी में हो रहे हैं शामिल, लेकिन ट्विस्ट यहां है, झारखंड में बीजेपी के नेता दूसरे दलों में हो रहे हैं शामिल। जेपी पटेल को के बाद दूसरे नेता भी तलाश रहे हैं अपनी सुरक्षा। कुणाल सारंगी भी छोड़ सकते हैं बीजेपी, इस वक्त की बड़ी खबर। हाल के दिनों में पार्टी से अलग थलग दिख रहे हैं कुणाल सारंगी। दल बदल के खेल में झारखंड सबसे आगे। झारखंड के बड़े बड़े नेता अपनी सुरक्षित राजनीति को भाप कर दल बदल रहे हैं। पूरे देश में दूसरे दलों के नेता बीजेपी में हो रहे हैं शामिल, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में बीजेपी के नेता दूसरे दलों में हो रहे हैं शामिल। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ बने हुए। चित्रंजन देखिए एक खेल चल रहा है, आचार संहिता जब से लागू हुआ एक खेल चल रहा है, वो खेल ये है दल बदल का खेल। लेकिन गर्व करने वाली बात होगी कुछ लोगों के लिए, झारखंड इस खेल में सबसे आगे चल रहा है। झारखंड में दल बदल लगातार जारी है। कुछ लोग हैं दूसरे राज्यों में जो दूसरे पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, लेकिन झारखंड अलग है, हमेशा से अलग रहा है। यहां बीजेपी के लोग बीजेपी का साथ छोड़कर दूसरे दलों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुणाल सारंगी कहा जाता है कि बुद्धिजीवी नेता है बीजेपी के, और वो साथ छोड़ सकते हैं बीजेपी का, और अब कुणाल सारंगी दूसरे दल में जा सकते हैं, जेएमएम में आ सकते हैं। क्या है पूरी जानकारी? देखिए आयुष, कुणाल सारंगी को प्रदेश की का प्रवक्ता बनाया गया है। 2019 के चुनाव में वो बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़े थे, हालांकि उस चुनाव में उनको हार मिली थी, जिसके बाद वो पार्टी में संगठन के कार्यों में वो रुचि दिखा रहे थे। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से कुणाल सारंगी अपने आप को बीजेपी के से अलग थलग किए हुए है, क्योंकि पार्टी के और संगठन के कार्यों में उनकी जो मौजूदगी है वो कम हुई है। साथ ही साथ वो प्रदेश के प्रवक्ता, उन्होंने ट्विटर पिछले दिनों अपने ट्विटर हैंडल से प्रदेश प्रवक्ता जो लिखा हुआ था उसको भी हटाया था, जो खबरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी थी। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि देखिए लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव सर चढ़ के बोल रहा है। उम्मीदवारों को जिनको चुनाव लड़ने हैं वो अपने अपने सुरक्षित जगह जो पार्टियां वो तलाश रहे। इसी का असर था कि जो जयप्रकाश पटेल है वो जब बीजेपी में उनको लगा कि अब यहाँ हमको उचित स्थान नहीं मिल रहा, तो उन्होंने पाला बदल लिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं कांग्रेस से वो हजारीबाग के संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार बनाए गए। ऐसे में कुणाल सारंगी जो है वो भी बीजेपी का दामन छोड़ जेएमएम में जा सकते हैं, क्योंकि जेएमएम में भी जमशेदपुर लोकसभा सीट को लेकर एक चेहरे की तलाश है, जिनकी पकड़ क्योंकि जमशेदपुर की जो संसदीय क्षेत्र है वो बंगाली भाषी वहां के लोग है, वहां बंगाली भाषा बोली जाती, साथ साथ उड़िया उड़ीसा बॉर्डर अटैच है। ऐसे में कुणाल सारंगी उस संसदीय क्षेत्र से फीट बैठते हैं जेएमएम के, क्योंकि जेएमएम के पुराने नेता भी रहे, तो जेएमएम अगर वो जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कुणाल सारंगी के लिए या जेएमएम के लिए, क्योंकि जेएमएम के वो नेता भी रहे हैं, उनका परिवार जेएमएम की राजनीति की है। तो ऐसे में कुणाल सारंगी के नाम की भी चर्चाएं चल रही है कि क्या वो भी बीजेपी का दामन छोड़ते हैं, जेएमएम में शामिल होते हैं। लेकिन कुणाल सारंगी के लिए जेएमएम की भी राह उतनी आसान नहीं जितनी आसान दिख रही, क्योंकि जेएमएम में ही कई लोग हैं जो वो नहीं चाहते कि कुणाल सारंगी जेएमएम में शामिल हो, क्योंकि संथाल के और उधर की जो जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र की जो राजनीति है उसमें कुणाल सारंगी एक मजबूत नेता जेएमएम के उभर सकते हैं। ऐसे में उस क्षेत्र के भी नेता नहीं चाहते कि कुणाल सारंगी की जेएमएम में वापसी हो, क्योंकि जेएमएम में कई चेहरों की चर्चाएं चल रही, लेकिन कुणाल सारंगी जो सबसे फिट जेएमएम के लिए उस संसदीय क्षेत्र से बैठ रहे। ऐसे में जेएमएम के जो नेता नहीं चाहते कि कुणाल सारंगी पार्टी में शामिल हो, वो नेता दूसरे चेहरे की तलाश कर रहे हैं। उन चेहरों में कई नामों की चर्चाएं चल रही है जो केंद्रीय जो जेएमएम के संगठन के कार्यों में अब तक दिखते आ रहे थे, उन नेताओं को भी लोकसभा चुनाव के लिए जमशेदपुर जैसे सीटों के लिए तैयार किया जा रहा है। और साथ ही साथ सिर्फ कुणाल सारंगी ही नहीं, भाजपा के और भी कई नेता हैं, प्रभात भुइयां की बात हो, पलामू के नेता की बात हो, जो
कांग्रेस या अन्य दलों में जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले सभी नेता अपने सुरक्षित राजनीतिक जो जगह है, प्लेस, वो ढूंढती है कि हमारा राजनीतिक सुरक्षित राजनीति हम कहां से कर सकते हैं और कहां से हम चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कई नेता जो है वो चुनाव लड़ने पर उनकी फोकस होती है। तो ऐसे में बीजेपी के कई नेता दूसरे दल में जा सकते हैं जब उनको निराशा हाथ अपने पार्टी से मिली है। तो ऐसे में कई और नाम जो है वो बीजेपी का दामन छोड़ सकती है। आयुष, देखिए कई और नाम है जो बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं। कुणाल षडंगी को लेकर एक बातचीत चल रही है, जेएमएम का भी एक धरा है जो कुणाल षडंगी को लेकर नाराज है, और कुणाल षडंगी के वापसी करने पर, मतलब जेएमएम में जाने पर कुछ एक धरा है जेएमएम का जो शायद नाराजगी जाहिर करे। लेकिन एक बात जो बीजेपी ये कहती है किसी को जाने के बाद कि ये हार्मलेस था, क्या कुणाल षडंगी भी अगर बीजेपी से जाते हैं तो बीजेपी के लिए हार्मलेस होगा? देखिए, बीजेपी इस अपने राजनीतिक बयान में बचाव के लिए इस तरह की बातें करती, क्योंकि बीजेपी में भी तो कई नेता दूसरे दलों से शामिल हुए हैं। तो ऐसे में क्या वो उनके लिए हार्मलेस है, क्योंकि गीता कोड़ा की बात हो या सीता सोरेन की बात हो, इन्होंने हाल के दिनों में बीजेपी का दामन थामा है, तो क्या ये बीजेपी के लिए और दूसरे दलों के लिए हार्मलेस है? देखिये, सभी जो नेता है वो उनके अपनी अपनी विधानसभा, अपनी अपनी राजनीतिक क्षेत्रों में एक पकड़ होती है, तो वो जब दूसरे दलों पे जाते हैं तो उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके जो वोटर्स होते हैं, वो भी शिफ्ट करते हैं। ऐसे में जब कुणाल षडंगी, क्योंकि वो पुराना राजनीतिक परिवार रहा है, वो अगर दूसरे दल पे जाते हैं है, तो इस जाहिर तौर पे उस क्षेत्र में बीजेपी को एक नए चेहरे की तलाश करनी होगी जो उस क्षेत्र में बीजेपी का एक मजबूत किला साबित कर सके, क्योंकि जमशेदपुर जैसे सीट पर, लोक संसदीय क्षेत्र पर अगर कुणाल षडंगी आते तो वो दोनों ही उड़िया बॉर्डर वाले पे क्षेत्र पर भी उनकी पकड़ मजबूत है, साथ ही साथ उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो जमशेदपुर के टाउनशिप जो क्षेत्र वहां से भी उनकी पकड़ मजबूत है। तो ऐसे में कुणाल षडंगी को लेकर इसलिए भी जेएमएम में सुर्खियां चल रही है कि अगर कुणाल षडंगी आते हैं तो जमशेदपुर में टक्कर देखी जा सकती है एनडीए के साथ। जी चित्रंजन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है, कुणाल षडंगी को लेकर लगातार कयासें लग रही हैं, कहा जा रहा है कि कुणाल षडंगी बहुत जल्द बीजेपी का दामन छोड़ जेएमएम में शामिल हो सकते हैं। अब देखना यह है कि चुनाव नजदीक है और कौन कौन से लोग कौन से पार्टी का दामन छोड़ेंगे और कौन से पार्टी में शामिल होंगे।